मीराबाई, संजीता चानू, सतीश और वेंकट के बाद वाराणसी की पूनम यादव ने वेटलिफ्टिंग में भारत को एक और गोल्ड दिला दिया है और इसी के साथ भारत की गोल्ड मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में जारी 21वें कॉमनवेल्थ गेम में पूनम ने वेटलिफ्टिंग में 69 किलोग्राम भार वर्ग में यह मेडल जीता है। पूनम ने कुल 222 किलोग्राम वजन उठाकर यह गोल्ड अपने नाम किया। पूनम ने स्नैच के पहले प्रयास में 95 किलोग्राम वजन उठाया, वहीं दूसरे में उन्होंने 98 और तीसरे प्रयास में 100 किलोग्राम वजन उठाया। इसके साथ ही उन्होंने इंग्लैंड की 270 किलोग्राम भार उठाने वाली सारा डेविस को पीछे छोड़ दिया। आपको बता दें कि पूनम का जीवन बड़ी मुश्किलों से बीता है। पूनम की इस सफलता के पीछे उनकी दोनों बहनों का बड़ा हाथ है, जिन्होंने अपनी रोटियां पूनम की थाली में डाली, यहां तक कि उन्हें इस जगह तक पहुंचाने के लिए खुद खेल से अलग हो गई। पूनम ने भी अपनी बहनों को निराश नहीं किया और 2014 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के ब्रॉन्ज को इस बार सोने में बदल दिया।